दो दिन बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत रिलीज होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के खिलाफ सभी याचिकाओं को एक बार फिर खारिज कर दिया है, लेकिन इस पर महासंग्राम अभी भी जारी है। करणी सेना तो विरोध में उत्पात मचा ही रही थी कि वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया भी फिल्म के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तोगड़िया ने तो फिल्म रोकने के लिए अध्यादेश लाए जाने की मांग कर डाली है। फिल्म पद्मावत की स्क्रीनिंग को महज एक दिन बचा है, पर आखिरी समय में भी फिल्म पर से संकट के बादल नहीं छटे हैं। पहले करनी सेना का बवाल, फिर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान और तो पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी फिल्म के विरोध में खड़े हो गए। वहीं वीएचपी और बजरंग दल भी करनी सेना के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। वीएचपी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने ऐलान किया है कि किसी भी कीमत पर पद्मावत फिल्म देश में रिलीज नहीं होने देंगे। वीहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता 25 जनवरी को फिल्म के विरोध में देश भर में सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि केंद्र सरकार पद्मावत फिल्म के रिलीज संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश निकालकर हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश भर के सिनेमाघरों के बाहर जनता कर्फ्यू लगाकर विरोध किया जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।